और ये खबर टीवी इंडस्ट्री से है, जहां टीवी स्टार रूपाली गांगुली जो अनुपमा अपनी भूमिका के लिए लोकप्रिय हैं, ने बुधवार को भारतीय राजनीति में प्रवेश की घोषणा कर दी है। एक्ट्रेस विनोद तावड़े और अनिल बलूनी की मौजूदगी में रूपाली गांगुली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। बता दें कि इस साल की शुरुआत में रूपाली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के अपने फैन गर्ल पल को साझा किया था। अभिनेत्री रूपाली गांगुली दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद रूपाली ने कहा, जब मैं विकास के इस महायज्ञ को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मुझे आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहिए ताकि मैं जो भी करूँ सही और अच्छा कर सकूँ। बीजेपी में शामिल होने के बाद अभिनेत्री रूपाली गांगुली और ज्योतिषी अमेया जोशी ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की। एक नागरिक के नाते ही सही, लेकिन हम सबको इसमें सहभागी होना चाहिए। और महाकाल और माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं अपने कला के माध्यम से कई सारे लोगों से मिलती हूँ, उनके सरोकार होती हूँ। तो जब मैं ये विकास का महायज्ञ देखती हूँ तो ऐसा लगता है क्यों ना मैं भी इसमें सहभागी बनूं। तो मुझे विनोद तावड़े जी का मार्गदर्शन मिला, अमित बिलोनी जी का आशीर्वाद मिला, संजय मयूख जी की गाइडेंस मिली और मैं यहाँ पर आ गई हूँ कि मैं किसी तरह से मोदी जी के बताए रास्ते पर चलूँ और किसी तरह से देश सेवा में लगूँ। अमित शाह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ूँ और कुछ ऐसा करूं जिससे आज जो ये लोग मुझे भाजपा में शामिल कर रहे हैं, इन सबको एक दिन मुझ पर गर्व हो। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए और आप सबका साथ चाहिए कि मैं जो भी करूं सही करूं, अच्छा करूं, गलत करूं तो आप लोग मुझे बताइएगा।